प्रेज द लॉर्ड, जय सु। मैं आप सबों का स्वागत करना चाहता हूं और एक बार हमारे साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए, विशेष रूप से इस प्रार्थना में, क्योंकि हम इस समय प्रार्थना करेंगे और गहरी प्रार्थना करेंगे। मेरे भाई, मेरी बहन, हमें प्रभु के स्पर्श की जरूरत है। आप जानते हैं, सुसमाचारों में लिखा हुआ है कि शाम के समय सब लोग अपने रोगियों को, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोगों को, जो निर्बल लोग थे, उनको यीशु के पास लाते थे और वे कहते थे, आग्रह करते थे कि यीशु उनको कपड़े का पल्ला भर छूने दे या कुछ तो उनको छूने दे, और वे जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो जाते थे। आप पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 14 वाक्य 36 में, वहां लिखा हुआ है, वे उनसे अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दें। देखिए, अपने कपड़े का, यानी यीशु अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दें। और बाइबल में लिखा हुआ है आगे, जितनों ने उसका स्पर्श किया, यानी जितनों ने उसको छुआ, जितनों ने उसको टच किया, वे सब के सब, देखिए एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, जितनों ने उसको स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। जितनों ने उसका स्पर्श किया, यानी जितनों ने उसको छुआ, वे सब के सब अच्छे हो गए। यही होता है जब यीशु को हम स्पर्श करते हैं या यीशु हमें स्पर्श करते हैं, उस समय हमारी जिंदगियां बदल जाती हैं, हमारे रुके हुए काम चलने लगते हैं, हमारी बुरी आदतें वैनिश हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, हम बदले बदले से लगने लगते हैं। और लोग भी कहते हैं कि पहले ये ऐसा था लेकिन अब ये ऐसा कैसे हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रभु ने उसे स्पर्श कर लिया है, प्रभु ने उसे छू लिया है और वह वो बदला बदला लगता है। आप पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार उसका अध्याय 8 और वाक्य 15 में, वहां पर जब पेत्रुस के घर में यीशु गए और उसकी सांस बुखार में पड़ी हुई थी, तो वाक्य 15 में लिखा हुआ है, उन्होंने उसका हाथ स्पर्श किया और उसका बुखार जाता रहा और वह उठकर उनके सेवा सत्कार में लग गई। यानी यीशु के छूते ही, यीशु के छूने मात्र से उसका बुखार जाता रहा जो बुखार में पड़ी हुई थी। यीशु के स्पर्श में रोगियों को चंगा करने की ताकत है। अगर यीशु स्पर्श कर देंगे, एक सेकंड में रोगी ठीक हो सकता है, एक सेकंड में रोगी चंगे हो जाएंगे। उसी मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 9 वाक्य 29 में हम पढ़ते हैं, जो एक अंधा व्यक्ति जब यीशु के पास आता है, वहां पर लिखा हुआ है, तब ईसा ने यह कहते हुए उसकी आंखों का स्पर्श किया, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा हो जाए, और वो अंधा देखने लगा। यीशु ने अंधे को छुआ और अंधा देखने लगा। यीशु के छूने से सब कुछ हो सकता है। आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें छूए। जब यीशु आपको छू लेंगे, जब यीशु का हाथ आप पर आएगा, उस समय आपकी जिंदगी में अद्भुत काम होंगे। आपका हृदय परिवर्तित होगा, आपका मन बदल जाएगा, आपके विचार बदल जाएंगे, आपकी सोच बदल जाएगी, आपके शब्द बदल जाएंगे, आपके देखने का तरीका बदल जाएगा, आपके सुनने का तरीका बदल जाएगा, आपके उठने बैठने का तरीका बदल जाएगा, आपके रहने का तरीका बदल जाएगा, आपका आचरण, आपका व्यवहार बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब यीशु छू लेता है तो यीशु का स्वभाव हम में आ जाता है। देखिए संत पौलुस को, संत पौलुस पहले कलीसिया पर अत्याचार कर रहा था, लेकिन जैसे ही यीशु ने उसको छुआ वो बदल गया, उसी कलीसिया को वो सुसमाचार सुनाने लगा। जरूरत क्या है? यीशु हमें छू ले। जरूरत क्या है? एक बार यीशु हमें छू ले। आप जानते हैं, एक सेकंड के लिए यदि यीशु आपको छू लेते हैं, एक सेकंड से भी कम समय के लिए यीशु आपको छू लेते हैं, जिंदगी बदल जाएगी। उदाहरण के लिए, एक तार जिसमें करंट बह रहा है, एक सेकंड के लिए आप उसे छुएं, आपको झटका मार के दूर फेंक सकती है। प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद रखें,
प्रार्थना करें, प्रभु मुझे छूइए, मुझे छुओ यीशु, छुओ। तेरे छूने से जिंदगियां बदली हैं, तेरे छूने से रोगी ठीक हुए। प्रभु सुसमाचार में हमने पढ़ा है, जब एक विधवा का पुत्र मर गया और वो अर्थी में उसे लेकर जा रहे थे, तू ने वहां पर मिला और तूने उस अर्थी को स्पर्श किया और मुर्दा जिंदा हो गया। ओ कितनी ताकत है तेरे स्पर्श में, कितनी शक्ति है तेरे स्पर्श में। प्रभु आज मुझे छूइए, प्रार्थना करें, आंखें बंद रखें, प्रार्थना करें, लॉर्ड टच मी, प्रभु मुझे छुओ, मुझे छुओ, प्रभु छुओ। प्रार्थना में रहना सब लोग, प्रार्थना में रहना। मैं हूँ तेरी शरण में आया, मेरी बनपना गाए। मैं हूँ तेरी शरण में आया, मेरी बनपना। आत्मा से भर कर मैं भी गाऊं नित सना, आत्मा से भर कर मैं भी गाऊं नित सना। मैं भी तेरी शरण में आया, मेरी बनपना। मैं हूँ तेरी शरण में आया, मेरी बनपना। आत्मा से भर कर मैं भी गाऊं नित सना, आत्मा से भर कर मैं भी गाऊं नित सना। मेरी दुर्बलताओं में मदद करे तेरा रूह, मेरी दुर्बलताओं में मदद करे तेरा रूह। छू यीशु, छू, छू यीशु, छू, शरण में आया, मेरी बनपना गाए। मैं हूँ तेरी शरण में आया, मेरी बनपना। आत्मा से भर कर मैं भी गाऊं नित सना, आत्मा से भर कर मैं भी गाऊं नित सना। मैं हूँ तेरी शरण में आया, मेरी बनपना। मैं हूँ तेरी शरण में आया, मेरी बनपना। आत्मा से भर कर मैं भी गाऊं नित सना, आत्मा से भर कर मैं भी गाऊं नित सना। मेरी दुर्बलताओं में मदद करे तेरा रूह, मेरी दुर्बलताओं में मदद करे तेरा। हाथों को खोल कर छू यीशु, छू, छू यीशु, आत्मा की गहराई से छू यीशु, छू, छू यीशु, छू, छू यीशु, छू, छू यीशु, छू, कमियां हैं कमजोरियां दूर हटा दे। रूह की अग्नि में तू मेरे सारे पाप जला दे। जिंदगी में जो कमियां हैं कमजोरियां दूर हटा दे। रूह की अग्नि में तू मेरे सारे पाप जला दे।
शांति का शहजादा तू ते अमृत जल का फूल, शांति का शहजादा तू है अमृत जल का फूल। छू यीशु छू, प्रभु से कहें छू यीशु छू। मैं हूँ तेरी शरण में आया मेरी बनपना, मैं हूँ तेरी शरण में आया मेरी बनपना, आत्मा से भर कर मैं भी गाऊं नित सना, आत्मा से भर कर मैं भी गाऊं नित सना। मेरी दुर्बलताओं में मदद करे तेरा रूप, मेरी दुर्बलताओं में मदद करे तेरा रूप। छू यीशु छू, छू यीशु छू, गाए छू यीशु छू, वादा आज तू पूरा कर दे। अपने लोगों के अंदर तू अपनी शक्ति भर दे। जाते समय जो किया था वादा आज तू पूरा कर दे। अपने लोगों के अंदर तू शक्ति अपनी भर दे। मुझको भी कर पाप की तुझको देखूं रूबरू, मुझको भी कर पाप की तुझको देखूं रूबरू। छू यीशु छू, यीशु छू, छू यीशु छू, छू यीशु छू, आत्मा में गाए छू यीशु छू, शरण में आया मेरी बनपना, मैं हूँ तेरी शरण में आया मेरी, आत्मा से भर कर मैं भी गाऊं नित सना, आत्मा से भर कर मैं भी गाऊं नित सना। मेरी दुर्बलताओं में मदद करे तेरा रूप, माता पिता भाई बहनों को छू यीशु छू, छू यीशु छू, छू यीशु छू, गाए छू यीशु छू।
छुइए। जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़े उन्हें छुए प्रभु, इनकी जिंदगियों में बदलाव लाओ प्रभु, इनकी जिंदगियों को पलट दो प्रभु। तेरे वचन में तूने कहा यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। ओ प्रभु इन लोगों को छू, और जितने भी लोग बंधन में पड़े हुए हैं इनके बंधनों से आप इन्हें आजाद करें इसी समय। प्रभु तेरे वचन में तूने कहा चोर केवल चुराने मारने और नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हें जीवन मिले बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों के अंदर चोर, जिन लोगों के जीवन से शैतान ने चुराया है, मारा है, नष्ट किया है, आप उनके जीवन को इस समय छुएं और उन्हें परिपूर्ण जीवन दीजिए, परिपूर्ण जीवन दीजिए। ओ प्रभु जो नष्ट किया हुआ है, ओ नष्ट करने की प्रभु जो कीमत उन्होंने चुकाई है उसे भर दे। लिब्रो सोरा बहा शखंदा रबा 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 शिंधाला मकाला बरिया रबा 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 रबा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु जो नशा करते उनको छू ले, थैंक यू जीसस। प्रभु जो मेरी बहनें निसंतान हैं, जिनके गर्भ में किसी प्रकार की कोई समस्या, उन्हें उस गर्भ को छू ले यीशु। जिनके गर्भ नहीं है, ओ प्रभु तेरे पवित्र नाम पर, यीशु मसीह नाजरी के नाम पर उनके गर्भ न बन जाए प्रभु, नया गर्भ उनको दे दे। जिनकी हड्डियां टूट गई हैं प्रभु, जुड़ नहीं रही हैं, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर वो जुड़ जाए। शाला बारंदा लखरिया शाह लीप्रो सुहांदा रखा शबे माजरांगला करा ले 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 प्रभु यीशु चाहते हैं आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा। प्रभु से कहें प्रभु मेरे जीवन में आ जा, मेरी सहायता कर यीशु। उस स्त्री के समान प्रार्थना करें जो अपनी बेटी के लिए यीशु के पीछे पीछे दौड़ती हुई आ रही थी, चिल्लाती हुई, और यीशु से लगातार ये कहती जा रही थी यीशु मेरी सहायता कर कीजिए, यीशु मेरी सहायता कीजिए, तेरे अलावा कौन मेरी सहायता करेगा। यीशु उनकी नहीं सुने, यीशु घर आ गए। वो स्त्री पीछे पीछे चलती हुई आई और बाइबल में लिखा है वो यीशु के सामने दंडवत करती है, मुंह के बल लेटती है और कहती है फिर प्रभु मेरी सहायता करो, प्रभु मेरी सहायता करो। प्रभु से जवाब देते हैं बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है, लेकिन वो स्त्री अड़ी रही, उसने कहा ठीक है प्रभु, लेकिन फिर भी मेज की जूठन से पिल्ले खाते ही है। ओ ऐसा दृढ़ विश्वास, प्रभु से समय पुकार कर कहो आप कर्ज में हो, आपके पास संतान नहीं है, आपका काम नहीं बनता है, आप दुखी हो, निराश हो, आपके ऊपर कर्ज है, बहुत अधिक गरीब है, रोजगार नहीं है, आपके अंदर दुष्ट आत्मा है या आपके परिवार में दुष्ट आत्मा है, नशा है, आपका पति शराबी है, आपका पापा आपकी आपको मारता पीटता है, आपका तलाक हो गया है या होने वाला है, ऐसी कोई भी समस्या, या आपका कोई रोगी है हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, बहुत अधिक गंभीर है,
इसी समय प्रार्थना करो, प्रभु मेरी सहायता करो। लॉर्ड आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूं, यीशु मेरी सहायता करो। पुकारो, अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं, पूरा ऊपर उठाएं और प्रार्थना करें, प्रभु मेरी सहायता करो। लॉर्ड हेल्प मी, प्रार्थना करो, यीशु मेरी सहायता करें। प्रभु यीशु, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, आजा यीशु राजा, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, आजा यीशु राजा। कहिए, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। मिलकर गाएं, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, हो आजा यीशु राजा। बार बार गाएं, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, हो आजा यीशु राजा। फिर से गाइए, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, हो आजा यीशु राजा। आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु आपको इस समय छुए। प्रभु तूने कहा, मेरा नाम लेकर तुम जो कुछ पिता से मांगोगे मेरा पिता तुम्हें वही प्रदान करेगा। yes, प्रभु इस समय मैं प्रार्थना करता हूं, जितने भी लोग इस समय हमारे साथ हैं, yes, इनमें से एक एक की जिंदगी को बदल दे पिता। yes, इनके बच्चों को, इनके पति को, इनकी पत्नी को बदल दे। yes, प्रभु हमारे हृदय को छू, हमारे हृदय से पत्थर का हृदय निकाल कर रक्तमांस का हृदय दे, तेरे पवित्र लहू से हमें धो। yes, प्रभु हमारे दिल में जो कड़वाहट है, जो बुराइयां हैं, जो अपवित्रता है, जो अक्षमा है, जो क्रोध है, उसे निकाल दे प्रभु, उसे निकाल दे यीशु। लॉर्ड हैव मर्सी ऑन अस, लॉर्ड हैव मर्सी, है मर्सी लॉर्ड। दया करो यीशु, दया करो यीशु, दया करो यीशु। आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा। मेरे भाई, मेरी बहन, विश्वास करें, प्रभु ने आपको छुआ है। अपने हृदय में प्रभु की शांति को अनुभव करें, प्रभु के आनंद को अनुभव करें। प्रभु ने वास्तव में आपको छुआ, धन्यवाद दें। और यदि आप
अपनी गवाही या अपना प्रार्थना निवेदन हम तक पहुंचाना चाहते हैं, स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे और अपनी गवाही, अपना प्रार्थना निवेदन आप भेज सकते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे, उसके स्पर्श आपको मिलता रहे और प्रभु का अनुग्रह सदा आप लोगों के साथ रहे। जय यीशु।